क्या कह रहा है कि द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इज 2 मीटर हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। अच्छा समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक मकान हो गया, ठीक है ना जी। अच्छा और यहाँ पर ये मैं यहाँ बेस ले लेता हूँ इसका, यहाँ से कह रहा कि 2 मीटर अबव पे, यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ पर 2 मीटर अबव पे एक विंडो है और इससे 4 मीटर अबव पे दूसरा विंडो है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 4 मीटर अबव पे एक दूसरा विंडो है, ठीक है। आगे क्या कह रहा, इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो, ठीक है, इससे 4 मीटर अबव। एट सर्टेन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बैलून फ्रॉम दीज विंडोज आर ऑब्जर्व 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अच्छा यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों विंडो से, यानी कि इसका मतलब कि बैलून ज्यादा ऊपर है, इधर है, यहाँ उड़ा है, इस बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों विंडो से, यानी कि इस विंडो से और इस विंडो से दिया हुआ है 60 डिग्री और 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यहाँ से ज्यादा एंगल बनेगा, ऐसे कम बनेगा, ठीक है। यहाँ से कह रहा है कि 60 डिग्री है और यहाँ से कह रहा है कि 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून अबव द ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड से कितने उच्च हाइट में बैलून उड़ रहा है, ठीक है। पहले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ये इस परपेंडिकुलर होगा ही। चलिए ये 2 मीटर है तो इधर भी 2 मीटर हो जाएगा, ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा, इसको हम लोग एच सपोज कर लेते हैं। लेट, अच्छा एक और, ये दोनों के बीच में ये डिस्टेंस हम लोग वाई ले लेते हैं, तो ये भी वाई हो जाएगा, ये भी वाई हो जाएगा। लेट डी एंड एफ बी द पॉइंट पॉइंट ऑफ टू विंडो विच 2 मीटर एंड 4 मीटर अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं लेट लेट जी बी द पॉइंट, बी द पॉइंट एट द बैलून, बैलून अबव द ग्राउंड। लेट जी बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, पहले जी ई ले लेते हैं, जी ई इक्वल टू में एच, तो जी बी यानी कि हाइट ऑफ, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड क्या है, जीबी है, तो जीबी क्या हो जाएगा एच प्लस 4 मीटर प्लस 2 मीटर, यानी कि एच प्लस का 6 मीटर हो जाएगा। ये दिया हुआ है आपके पास हाइट ऑफ बैलून। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर एक करके दोनों ट्रेंगल पर, तो लेते हैं इन ट्रेंगल क्या नाम है जी एफ, इस वाले एक्चुअल में टेन थीटा यूज करने वाले हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू में हो जाएगा जी ई बाई में एफ ई, यानी 1/√3 इक्वल टू में एच बाई में वाई, यानी वाई इक्वल टू में हो जाएगा एच रूट थ्री या रूट थ्री एच। अब इन ट्रेंगल जी डी सी में आता है, इस वाले में टेन 60 लगा देंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका जी सी और वाई में आपका डी सी, ये रूट थ्री, जी सी का वैल्यू एच प्लस का 4 और वाई में डी सी है वाई, यानी यहां से वाई इक्वल टू में हो जाएगा एच प्लस 4/√3, ये सेकंड हो जाएगा।
अभी इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेट कर देते हैं रूट थ्री एच इक्वल टू में एच प्लस फोर बाई रूट थ्री, ये रूट थ्री जाकर मल्टीप्लाई करेगा थ्री एच इक्वल टू में एच प्लस का फोर, या किधर घट जाएगा टू एच इक्वल टू में फोर, एच इक्वल टू में आ जाएगा टू मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द बैलून from the ground क्या हो जाएगा, तो h प्लस का 6 थर्मामीटर, h प्लस का 6 मीटर था, यानी हो जाएगा आपका यहां पर 2 प्लस का 6 मीटर, यानी कि 8 मीटर हो जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत?